हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई फिलहाल अब चालू करते हैं। टॉपिक आता है एडी और एएस के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये थोड़ा सा बुक में से करेंगे, ठीक है। तो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन होंगे मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं लगा दूंगा जितने भी क्वेश्चन होंगे। और आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फेंक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्वेश्चन जाके डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास कुछ है नहीं, तो देखने के लिए मैं बुक का इस्तेमाल करूँगा ताकि क्वेश्चन इसमें से देख पाऊँ। तो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बढ़िया बढ़िया से, इसी में से आपको भी करवा दूंगा, ठीक है भाई। मतलब कि आपको दे दूंगा, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन करते करते, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। फिलहाल तो थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने देख के रखे हैं, चुन के रखे हैं, निशान लगा दिए हैं, तो उसी के हिसाब से चालू कर देते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से। समझिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है एन इकोनॉमी इज एन, हाँ जी, एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आपकी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होते के साथ ही हमको पता होता है भाई क्वेश्चन में करना क्या है। आपको करना है एडी इज इक्वल टू एएस। जैसे ही आपको पता चले ना इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, एडी इज इक्वल टू एएस। हाँ जी, तो इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम में, तो हम एडी इज इक्वल टू एएस कर सकते हैं आराम से। कह रहा है कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी क्या निकालने के लिए कह रहा है, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है जी। अरे यार ये पी 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 इसी रैम होगा सब चीज फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है जी। हाँ जी, जिसके लिए आपको दे रखा है नेशनल इनकम, यानी कि आपको इनकम दे दी सीधी बात 1000 करोड़। उसके बाद आपको दे रखा है ऑटोनोमस सेविंग, यानी कि सी बार दे दिया आपको 100 रुपये, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अच्छा ये जो था ये इनकम था, मतलब वाई था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया 200 करोड़, ठीक है। और आपसे कह रहा है एमपीएस निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देंगे आराम से जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो सी प्लस में क्या बोलते हैं आई बराबर में वाई, इतना आपको सिखा चुका हूं मैं। सी का फॉर्मूला सी बार जमा में बी वाई जमा में आई बराबर में वाई होता है। तो सी बार की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, जमा में बी और वाई को मल्टीप्लाई करना है। बी मतलब क्या होता है एमपीसी, इनटू में क्या करना है आपको वाई से मल्टीप्लाई करना है। एमपीसी तो दे नहीं रखा, तो मैं बी की जगह बी लिखूंगा, और वाई की जगह कितना आ गया 1000, प्लस में आई कितना दे रखा है 200 बराबर में वाई। आसान है, अब देखो क्या बोलते हैं सॉरी वाई की वैल्यू तो पता है ना 1000, ठीक है भाई। हाँ जी, चालू करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे बी निकालना है, ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत करवा रखे हैं आपको, ठीक है जी। 200 ये पहले जोड़ लेते हैं एक बार, इसको अलग कर लेंगे, तो हो गया बी गुणा में 1000 जमा में 200 और 100 कितना हो गया 300 बराबर में 1000, ठीक है। ये 300 यहाँ पे जमा का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो बी इंटू में 1000 इज इक्वल टू, ये तो जाके माइनस का हो गया, तो 1000 में से 300 जब चले जाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ जी 700 बच के, क्योंकि तो बी टू में 1000 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 700 बटे में 1000, तो 200 गया, यानी कि 0.7 आपका आंसर आ गया बी की वैल्यू। लेकिन हमें बी की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एमपीएस। क्या निकालना था हमें, एमपीएस। और मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है एमपीएस प्लस बी एमपीसी इज इक्वल टू 1, यानी एमपीसी की वैल्यू कितनी निकाली आपने 0.7 इज इक्वल टू 1 प्लस में यहाँ पे क्या लिख दिया एमपीएस। अब ये 0.7 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, यानी एमपीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस में 0.7 यानी कि 0.3, यहाँ पे आपने निकाल दी एमपीसी की वैल्यू। आसान, जो उसने पूछा था हमने निकाल के दे दिया, सिंपल भाई। इस तरीके से क्वेश्चन है, आप चाहो तो आराम से कर सकते हो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको, ठीक है भाई, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ जी, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाँ जी, तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं भाई फटाफट से। आपको दिख रहा होगा उसके अंदर पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं आपको साइड में दिख रहा होगा, कहाँ गया मेरे को नहीं दिख रहा बस। हाँ जी, कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें कह रहा है ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है और आपको आपका आंसर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने डाल दिया ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। फिलहाल ये वैसे बेसिकली थ्योरी से में आ जाता है, तो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक नहीं है। हाँ जी, शुरू करता हूँ फटाफट से, ठीक है। कह रहा है एमपीसी इज ग्रेटर देन एमपीएस, यानी कि साफ साफ उसने बोल दिया एमपीसी जो है वो ज्यादा है किससे, एमपीएस से, इतना सिंपल, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं भाई, आपको पता है एमपीसी प्लस में एम पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, आसान है ना। हाँ जी, अब सोचिए अगर एम पी सी बराबर हो एम पी एस के, एम पी सी और एम पी एस बराबर हो, अगर एम पी सी और एम पी एस क्या हों बराबर, तब दोनों की वैल्यू अगर निकालने के लिए बोले तो निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकलेगा समझिए ध्यान से,
अगर MPC MPC बराबर तो मैं इसके लिए क्या लिखता हूँ MPC लिखता हूँ, यानी कि MPC प्लस में MPC बन जाएगा फिर तो ये, क्योंकि MPS और MPC बराबर तो MPS को मैं MPC लिखता हूँ आराम से इज इक्वल टू 1, MPC और MPC क्या हो गया 2 MPC बराबर में 1, और MPC की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 यानी कि 0.5। आसान है, यानी कि उस टाइम पे इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 0.5, अगर ये दोनों बराबर हुए तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 0.5। आसान है, क्योंकि इनकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि अगर दोनों बराबर होंगे तो आधी आधी वैल्यू होगी यानी 0.5 0.5। आसान, ठीक। फिलहाल आगे चलते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन वाला कह रहा है MPC अगर ज्यादा है किससे MPS से, MPC ज्यादा है, MPC ज्यादा मतलब होने का मतलब क्या है, या तो ये होगा 0.5 से ऊपर या फिर ये होगा 1 से नीचे, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू होती नहीं इनकी, और अगर ये इससे ज़्यादा होना चाहता है तो 0.5 से ऊपर होगा, अगर 0.5 से नीचे हुआ तो ये तो कम हो जाएगा ना, वरना वो वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, फिलहाल चालू करते हैं। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी देन ग्रेटर देन 5, क्या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। हाँ जी, तो MPC ज़्यादा है तो MPC की वैल्यू रख लो, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ MPC की वैल्यू कितनी है 0.9, हो सकती है ना, इससे ज़्यादा ही तो रख रहा हूँ। हाँ जी, इसकी वैल्यू 0.5 होती है जब बराबर होते हैं, तो इससे ज़्यादा रख रहा हूँ मैं 0.9 रख रहा हूँ। हाँ जी, तो निकाल देते हैं एक बार इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू, यानी K की वैल्यू, K का फॉर्मूला क्या होता है 1/(1-MPC)। हाँ जी, शो कर देते फटाफट से 1/(1-MPC)0.9, और ये हो गया 1/(0.9) क्या खींचेगा 1 आ गया, और इसका कितना हो गया, ये हो गया यार सारे आज ही पीपीपी करेंगे तो 10। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू 10। तो भाई ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, एक बार और चेक कर लेते हैं MPC की वैल्यू। अरे यार अगर मैं MPC की वैल्यू रख के देखता हूँ भाई 0.6 रख लेते हैं एक बार मान लेते हैं, ठीक है, तो 1/(1-MPC)/1 MPC होता है K की वैल्यू, है ना, तो एक बार K इज इक्वल टू 1/(1-MPC)/0.6 रखा, यानी कि 0.4 आ गया, और 4 से हट गया 10, 10 से काटा गया कितना आ गया 2.5। भाई एक बार मैंने दोनों बार ज़्यादा रख के देखिए, एक बार 10 आ रहा है और एक बार कितना आ रहा है 2.5, क्या हमेशा 5 से ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू, नहीं जी ये ट्रू नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने MPC की वैल्यू ज़्यादा तो रख के देखी लेकिन 0.6 रख दी जैसे कि मैंने, तो एक बार क्या आ गई, कम आ गई। हाँ, एक बार ज़्यादा है मतलब कभी कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कभी कम हो सकती है, कम हो सकती है, यानी कि हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि भाई क्या है इसकी वैल्यू, ज़्यादा ही होगी हमेशा, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि अगर आप MPC की वैल्यू 0.6 रखोगे तो K की वैल्यू कितनी आएगी 2.5 आएगी, उससे फालतू नहीं आएगी। आसान भाई, ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद भाई इसका बी दूसरा पार्ट है, यानी कि इसका बी वाला पार्ट है, द वैल्यू ऑफ MPS कैन नेवर बी नेगेटिव, क्या MPS की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्या रहा है MPS की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। आसान, क्या ऐसा कभी हो सकता है MPS की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, मैंने आपको सिखाया है सर पहले से ही MPC की वैल्यू क्या हो सकती है हमेशा, मतलब MPC और MPS इन दोनों की वैल्यू ही जीरो होती है मिनिमम वैल्यू। आसान है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि इन दोनों की ही मिनिमम वैल्यू 0, यानी 0 से नीचे नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी कि ये 1 से ऊपर नहीं हो सकते, और ये वैल्यू पहले ही बता चुका हूं मैं टॉपिक और उसका लॉजिक समझा चुका हूं, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा आपका ये, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। हाँ जी, शुरू करते हैं अगला टॉपिक यार ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, रुक जाओ यार, सब्र करो, तसल्ली करो, तुम्हारे पास तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा दूंगा मैं, मेरे को थोड़ा ढूंढने पड़ेंगे। हाँ जी, शुभ वर्तम। इसके बाद हाँ, तो ये शुभ वर्तम भाई, क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, वैसे कब आ रखे हैं सारे क्वेश्चन, बस तुम्हारी बुक से प्रैक्टिस हो जाए इस वजह से ले गया हूँ ये क्वेश्चन छाट छाट के। हाँ जी, अच्छा कुछ क्वेश्चन भाई हिंदी वालों के लिए भी है, ताकि वो हिंदी में प्रैक्टिस कर ले, तो इंग्लिश वाले ना वो भी उनको कर सकते हैं आराम से, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। फिलहाल एन इकोनॉमी इज एन इक्विलियम, एक इकोनॉमी इक्विलियम में, फिर दोबारा से भाई AD इज इक्वल टू AS, क्योंकि इकोनॉमी इक्विलियम में कह रहा है कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी आपको क्या निकालना है I निकालना है, ठीक है जी। हाँ जी, और हमसे कह रहा है MPS दे रखा है आपको 0.25, और आपको दे रखा है ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि 200, और लेवल ऑफ इनकम कितनी दे रखी है, लेवल ऑफ इनकम है इनकम का लेवल मतलब भाई 1000, ठीक है भाई, या क्या करें, माइक भी लेना पड़ेगा नॉइस कैंसिलेशन वाला, ताकि पीछे वाली गाड़ियों के बाद ना आए। हाँ जी, तो इसका फॉर्मूला C प्लस में I बराबर में Y होता है, C बार जमा में BY जमा में I बराबर में Y हो जाएगा, C बार की वैल्यू कितनी है 200, और भाई MPC दे रखा है 0.25, तो MPS कितना, मतलब MPS दे रखा है 0.25, और MPC कितना होगा 1-MPS होता है ये, तो 1/0.25, और मैंने कर दिया तो 0.75 आपका आंसर आ गया, तो ये हो गया 0.75
वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000, तो यहाँ पे 1000 प्लस में आई कितना दे रखा है निकालना ही है वो, तो प्लस इज इक्वल टू में 1000, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 प्लस में 750 जमा में आई बराबर में 1000, ठीक है भाई। और ये हो गया 950। भाई थोड़ी राइटिंग बेकार हो रही है मेरी धीरे धीरे, ठीक है, तो ध्यान से कर लेना आराम से, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी आ गई, उधर जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया 50। तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई आपकी 50, आसान है। तो इन्वेस्टमेंट आ गई 50, आसान था, बहुत आसान था, नकली क्वेश्चन आथू। हाँ जी, आगे चलते हैं भाई, चलिए सर, तो एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ अच्छा ये वाला क्वेश्चन है क्या भाई, थोड़ा सा हटके कुछ ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा है इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1100, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई मतलब मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट में चेंज हो गया। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट में चेंज हो गया कितने रुपये का, बाय 1100 रुपये का। इन्वेस्टमेंट में चेंज हो गया कितने रुपये का, 1100 रुपये का, यानी कि 1100 रुपये का, 1100 का, ठीक है। और कह रहा है एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट, इसकी वजह से इनकम इंक्रीज बाई 5500, यानी कि आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है 5500 से, आसान, ठीक है। हैड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बीन 25, वट वुड हैव गिवन द इंक्रीज इन इनकम, इनकम में इंक्रीज क्या होगा वो बताना है आपको। चेक कर लेते भाई एक बार, ठीक है। हाँ जी, आपको इन्वेस्टमेंट में इनकम दे रख, इंक्रीजमेंट दे रखा है कितनी इंक्रीज हुई है, और इनकम की इंक्रीज दे रखी है कितनी इंक्रीज हुई है इनकम, ठीक है। हैड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हैज़ बीन 25, ठीक है भाई। क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 25% होगा, शुक्र देता हूँ भैया। तो के का फॉर्मूला याद है, के का फॉर्मूला होता है भाई डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वाई। अच्छा, उसने किसकी बात करी है, एमपीसी की या फिर एमपीसीएस की? हाँ जी, उसने बात कर रखी है एमपीएस की, ठीक है। यानी हमें निकालना है एमपीएस क्या होगा, निकालने के बाद एमपीएस क्या होगा। अच्छा, एमपीएस का भी फॉर्मूला याद है, वन अपॉन में एमपीएस होता है, के का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन में एमपीएस। ये दोनों फॉर्मूले के हैं, तो मैं कह सकता हूँ दोनों से सेंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो हो गया 1100 बटे में डेल्टा वाई कितना है 5500 बराबर में 1/2 में एमपीएस, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई, 200 कट गया और 11 एकम 11 11 पंजे 55। हाँ जी, तो एक बार कर लेते हैं फटाफट से वैल्यू सॉल्व, यानी कि उल्टा कर दिया तो ये आ गया एमपीएस इज इक्वल टू 5। एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई 5, ऐसा कभी हो सकता है भाई, ऐसा खाली न्यूमेरिकल्स में दे दिया। एक सेकंड, ओ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, गलती हो गई, क्या करें यार, तुम भी नहीं बताते, गलत कर दिया वही मैं, ऐसा कैसे हो गया। हाँ जी, एमपीएस मैं सोचू ऐसा कैसे। हाँ जी, के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/2 एमपीएस, ठीक है। दोनों फॉर्मूले के हैं, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, डेल्टा वाई कितना है 5500 अपॉन में डेल्टा आई कितना है 1100 बराबर में 1/2 एमपीएस, ठीक है जी। हाँ जी, और इससे ये कट गया 5 पे, यानी कि आपकी एम पी एस की वैल्यू आ गई 1/5। 1/5 मतलब क्या हो गया, हाँ जी 5 से इसको काटेंगे तो 0.2, ठीक है 0.2। अच्छा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो ये हो गया लगभग 20%। कितना आपका आंसर आ गया 20%, यानी एम पी एस की वैल्यू कितनी होगी 20% होगी, समझा। यानी कि जो क्वेश्चन वाला कह रहा है वो गलत कह रहा है कि एमपीएस की वैल्यू 25% नहीं होगी, यहाँ पे एमपीएस की वैल्यू कितनी है 20%। व्हाट वुड हैव गिवन इन द इंक्रीज इन इनकम, अगर 25% उसकी वैल्यू होती है एमपीएस की, तो इंक्रीज इन इनकम कितनी होगी वो बताना है आपको, ठीक है। अगर एमपीएस कितना होता 25%, अगर एमपीएस होता 25% तो इनकम में इंक्रीज कितना होता वो बताना, सॉरी इनकम में कितना इंक्रीज होता वो बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले एमपीएस की हेल्प से, तो के का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एमपीएस, ऐसा ना। हाँ जी, और इसी का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, फिर लगा देते हैं वापस से, तो 1/2 एमपीएस मतलब 1/2 एमपीएस की वैल्यू कितनी है 25%, यानी 0.25 लिख दो इसे। हाँ जी, 0.25 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या आ गया डेल्टा वाई, डेल्टा वाई तो हमें निकालना ही है, यानी कि इनकम कितनी इंक्रीज होती, इन्वेस्टमेंट कितनी है 1100, ठीक है 1100 इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई यानी कि हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1100 अपॉन में 2.5, और पॉइंट हट गया, 00 लग गई, और इसको सॉल्व करना है। 25 का पहाड़ा आता है,
25 का पकड़ा, अच्छा आज 25 4 100 और 25 4 फिर से 100 और उसके बाद 00 यानी 4400 आ गई आपकी क्या डेल्टा वाई, यानी कि इनकम भी चेंज कितने का होगा 4400 का। सिंपल था भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान है, तो आप आराम से कर लोगे। ये टॉपिक हो गए खत्म आपके, ठीक है जी, तो इसके हिसाब से खत्म हो गए। अच्छा थोड़ा सा ना वो एक बार कई बार आ जाते हैं टेबल वाले क्वेश्चन, कौन से वाले क्वेश्चन, टेबल वाले क्वेश्चन, तो एक बार टेबल वाले क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं, हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो करवाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, हाँ जी देख लो कितनी मेहनत से, दो तीन बुक लेके आ रहा हूँ आपके लिए भाई, थोड़े जैसे ये वाली बुक में वो इंग्लिश में नहीं मिली तो मैं हिंदी में लेके आया ये वाला क्वेश्चन, तो आप देख लेना समझ लेना, उतना तो समझ जाओगे आप, मैं ना मैं समझा ही रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा होगा साइड में, ठीक है, आपको दे रखा है कांग्या ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी आपको दे रखी है इनकम पहले टेबल में, ठीक है, हाँ जी इनकम कितनी है 0, 100, 200 डैश और डैश, ठीक है, उसके बाद कंजम्पशन दे दिया, यानी कि मैं बोल दूँ कंजम्पशन को सी, ठीक है जी, और ये रखा है 80, ये हो गया 140, उसके बाद डैश 240 एंड 260, आगे चलते हैं। हाँ जी आपको दे रखा है सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत मतलब क्या होता है सेविंग, और सीमांत मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है भाई, हाँ जी शुरू करते हैं फिलहाल, ये डैश 0.4, ठीक है, और उसके बाद डबल डैश दे रखा है, उसके बाद 0.8, भाई अगर ये बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं आपके में, आप चाहो तो बुक में से कर सकते हो, ठीक है, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत सारे देख रखे हैं। औसत बचत प्रवृत्ति मतलब कि इसको बोलते हैं ए पी बचत है ना, हाँ जी ए पी एस, तो ए पी एस दे रखा है आपको डबल डैश और उसके बाद 0, उसके बाद 0.2 और 0.35, भाई 2 के पीछे 0 लगा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, तो चाहे आप लिखो चाहे बदलो, बात एक ही होती है उसको, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती फिलहाल। अब इसमें करना क्या है, आपको जितनी भी वैल्यू खाली दे रखी है ना, आपको ये सारी वैल्यू भरनी है, आपको ये सारी वैल्यू भरनी है। अब कैसे भरी जाएंगी, वो इनकी हेल्प से भरी जाएंगी, मतलब जो डाटा आपको दे रखा है उसकी हेल्प से। फिलहाल मैं क्या देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे मेरे को ए पी एस दे रखा है, ए पी एस दे रखा है, ठीक है जी, ए पी एस का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन में वाई, आसान है, तो ए पी एस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई, क्या इस फॉर्मूले को हेल्प करके क्या मैं कुछ सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ जी सॉल्व करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे इनकम कितनी है 0, और जब इनकम 0 होती है यानी कि सी अपॉन में वाई, जब इनकम 0 होती है नीचे वाली वैल्यू 0 आती है, तो आंसर क्या आएगा पूरा पूरा इन्फिनिटी, यानी ए पी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए पी एस की वैल्यू चाहे ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो तो आंसर कितना आएगा इन्फिनिटी, तो इसके लिए लिख देता हूँ मैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, आसान भाई, ठीक आसान था ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया। वैसे सच बताऊं ए पी एस जो है वो कभी भी पॉजिटिव में इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो माइनस का इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि जो सेविंग आती है वो माइनस में आती है, ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, इस वजह से, तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है, सॉरी उल्टा हो गया, ए पी एस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई, क्या दिमाग चल रहा है यार आज पता ही नहीं चल रहा, हाँ जी ए पी एस का फॉर्मूला होता है माइनस एस अपॉन में वाई, तो इस वजह से आपको सेविंग जो मतलब माइनस में होता है ऐसे ही होता है, तो ऐसा हमेशा नेगेटिव होता है, तो इस वजह से आपकी इन्फिनिटी की वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है जी। चालू करता हूँ फिलहाल, दोबारा से लगाता हूँ फॉर्मूला, तो ए पी एस निकालना है इस बार, इस बार क्या दे रखा है आपको इनकम दे रखी है और कंजम्पशन दे रखा है, अच्छा इनकम और कंजम्पशन दे रखा है, क्या आप सेविंग निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे 0 रुपये इनकम थी, कंजम्पशन 80 था, यानी कि सेविंग कितनी होगी माइनस का 80, इस फॉर्मूले से निकाला था मैंने, 8 माइनस का 80, देखो माइनस का 80 अपॉन में इनकम कितनी है 0, तो क्या आंसर आ गया आपका माइनस का इन्फिनिटी, तो वो निकाल रखा है मैंने, ठीक है चालू करते हैं। अब समझिए सेविंग 100 रुपये अपने कमाए, यानी कि वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, याद है ना, हाँ जी, तो इनकम कितनी है आपकी 100, कंजम्पशन कितना है आपका 140, प्लस में सेविंग कितनी आएगी, तो सेविंग कितनी आ गई, इधर आगे माइनस हो गया, यानी माइनस का 40, तो सेविंग कितनी आ गई आपकी माइनस 40, तो माइनस 40 अपॉन में कितना आएगी 100, हाँ जी, तो इसका वैल्यू सॉल्व कर देना, तो 0.4 आ जाएगा आपका माइनस का, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 0.4, आसान भाई, हाँ जी ए पी एस की सारी वैल्यू सॉल्व हो गई। अब इस हिसाब से हमको ये सॉल्व करना है, शुक्र है, हाँ जी यहाँ पे ऊपर 0 है, ऊपर 0 होने का मतलब क्या है, यानी आपकी सेविंग 0 होगी, ऊपर 0 कब, मतलब ए पी एस 0 कब आएगा, जब ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी, और जो ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी, तो ये वाला सॉल्व ही कर लेते हैं लो, हाँ जी ए पी एस की वैल्यू 0, सेविंग की वैल्यू कितनी है, सेविंग की वैल्यू पता ही नहीं, सेविंग अच्छा दे रखा है, ठीक है ए पी एस नहीं दे रखा, सेविंग 0 दे रखा है, और इनकम कितनी है इस लाइन में, इनकम कितनी है 200, हाँ जी तो 200 लिख दिया मैंने, ठीक है अब क्या बोलते हैं इसको सॉल्व करने में क्या आंसर आएगा 0, तो ए पी एस कितना हो गया 0, वही तो बता रहा हूँ मैं इतनी देर से यार, समझ लो बड़े उच्च हो चुके हो तुम, ठीक है समझा करो ध्यान से। फिलहाल आगे चलता हूँ, समझिए उसके बाद क्या रखा है,
हाँ जी, इस वाली लाइन में अब आपको ये दोनों ही वैल्यू निकालनी है, और भाई इन दोनों वैल्यू को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत तो है, मानना तो पड़ेगा थोड़ी सी दिक्कत है। फिलहाल इसको निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कितने देर की है इनकम, इनकम दे रखी है 200, ठीक है। तो मेरी इनकम 200 है, जिसमें से मैंने बचाया कुछ भी नहीं है, तो खाया कितना हुआ, पूरा 200, यानी कि इधर हो गया, यानी कंजम्पशन कितना आ गया 200, यानी पूरा 200 रुपये मैंने खा लिए, सिंपल था ना। हाँ जी, फिलहाल ये वाले जो टॉपिक से सारे के सारे खत्म हुए, ठीक है। अब हम यूज करेंगे किसका, एमपीएस का। एमपीएस कितना दे रखा है यहाँ पे, एमपीएस दे रखा है 0.4 मतलब क्या दे रखा है आपको, यानी 0.5 का चेंज हुआ, यानी कैसे निकाला हुआ आपने एमपीएस, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा सी, सॉरी सी बोल रहा हूँ, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। तो एमपीएस दे रखा है 0.4, ये तो निकाल के दे रखा है ना आपको, तो ये निकालना है ना, ओ सॉरी फिर ये वाला निकालते हैं भाई। तो ये वाला एमपीएस कैसे निकलेगा, हाँ जी, तो चेंज देखते हैं, चेंज कितना हुआ, देखिए यहाँ पे चेंज एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, तो एमपीएस और इसका चेंज देखना है। तो पहले एस में कितना चेंज हुआ, अच्छा ये भी निकालना पड़ेगा था, 100 ये है, 140 है, एक ये हो गया माइनस का 140, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे चेंज कितने का हुआ, 40 से 0 हो गया, यानी कितना चेंज हुआ 40 का, अपॉन में इनकम में चेंज, इनकम में कितना चेंज हुआ, 100 था पहले, अब कितनी होगी 200, यानी कितना चेंज हुआ 100 का, तो ये कितना हो गया 0.4, तो बस इसका आंसर आ गया 0.4। आसान था भाई, खत्म क्वेश्चन। अब क्या करा जाए, इसको कैसे निकाला जाए, सोचिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा जज्बा जुनून सब पैदा करिए अपने अंदर, आसान, ठीक है जी। अच्छा आप आराम से कर दोगे, अच्छा मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, मेरे को तो आ रही है भाई, समझ में आ रही है मेरे को एक चीज़, पता है क्या चीज़, देखिए एपीएस दे रखा है 0.20, अगर मैं बात करूँ एपीसी की, तो एपीसी निकल जाएगा यहाँ से 0.80, कैसे, एमपीसी और मतलब एपीसी और एपीएस का जोड़ क्या होता है 1, यानी कि ये 0.20 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.80, है ना भाई, मतलब ए पी एस प्लस में ए पी सी इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, हाँ जी। तो ए पी एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.20 प्लस में ए पी सी की वैल्यू पता ही नहीं, तो ये हो गया 1, इधर जाके सॉल्व हो गया, यानी ए पी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8, वही मैं कह रहा हूँ 0.8 उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा ए पी सी की वैल्यू हमने निकाली, तो ए पी सी की हेल्प से निकाली है, सी अपॉन में वाई होता है, तो C की वैल्यू कितनी दे रखी है, C की वैल्यू 240 दे रखी है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 0.8 बराबर में 240 अपॉन में y निकालना ही है, हाँ जी, तो ये इधर ले जाएगी, इसको इधर ले जाएगी, यानी कि y इज इक्वल टू 240 अपॉन में 0.8, और पॉइंट हट गया, जीरो लग गया, आठ के पार्ट में 8 नहीं कुछ नहीं कट रहा, 16 8 24, हाँ जी 300, तो आपका इधर कितनी वैल्यू आ गई 300, इनकम कितनी आ गई 300। अब सोचिए इनकम आपकी 300 है, 240 रुपये आपने खा लिए, यानी बचाए कितने, बचाए आपने 60 रुपये, और 60 के हिसाब से ये वाली वैल्यू परफेक्ट बैठ गई, ठीक है जी। हाँ जी, अब आपको क्या निकालना है, एमपीएस, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, तो देखिए अब यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे पहले इनकम 0 थी, मतलब सेविंग 0 थी, अब कितनी होगी 60, यानी कितना चेंज हुआ 60 का, अपॉन में इनकम में कितना चेंज हुआ 200 से 300 गई, यानी कितने का 100 का, यानी कितना आ रहा है 0.6, तो इधर वैल्यू कितनी आ गई 0.6, आसान था। हाँ जी, आगे चलते करते हैं दोबारा, एमपीएस की वैल्यू कितनी है 0.8, और 0.8 के हिसाब से आप इसके हिसाब से भी निकाल सकते थे ना, अरे हाँ किसी भी हिसाब से निकाल लो मर्जी आपकी। फिलहाल तो 0.8 एमपीएस दे रखा है, डेल्टा एस, डेल्टा एस मतलब सेविंग में चेंज, अभी सेविंग में चेंज दे ही रखा हाँ, तो सेविंग में चेंज नहीं दे रखा और ना ही इसमें दे रखा, फिर दोबारा हम किसका यूज़ करेंगे भाई, हम यूज़ करेंगे इसी का, मतलब कि एमपीसी का, ये 0.35 है, तो 0.35 की वजह से जब एक में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 0.65, आसान है ना, 1 में से घट गया 0.35, तो ये कितना बच गया एपीसी 0.65, और जब ये 0.65 हो गया तो आपको पता है एपीसी का फॉर्मूला एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई होता है, तो सी दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, कितना 260 इज इक्वल टू 0.65 अपॉन में कितना हो जाएगा वाई, इसको इधर ले आना, इसको इधर ले जाना, यानी कि 260 अपॉन में 0.65, 0 से 0 कट गया और 65 का पारा आता है, ये तो मेरे को भी नहीं आता भाई, हाँ जी, तो 65 का पारा 6 6 12 6 6 6 4 24 240, हाँ जी 4 पे कट जाएगा, तो ये हो गया 400, ठीक है। हाँ जी, तो इनकम कितनी आ गई आपकी 400, इनकम 400 आ गई, अब तो आराम से सॉल्व कर ही दोगे आप आराम से, ठीक है ना जी। और क्या सॉल्व करना था, कुछ रह गया था सॉल्व करने के लिए, अच्छा ये सब सॉल्व करने के लिए रहेगा, अरे वो तो सॉल्व करने ही नहीं थे भैया, हमको सॉल्व कितना करना था, बस इतना सॉल्व करना था, अच्छा अगर चाहो तो वो भी सॉल्व कर सकते आराम से। तो यहाँ पे क्या निकालना है, सेविंग 400 रुपये आपने कमाए थे, जिसमें 160 खा लिए, बचे कितने 140 रुपये बच गए, तो 140 क्या बन गई आपकी सेविंग बन गई। अच्छा, और एपीसी निकालना है, एपीसी कैसे निकलता है, सी अपॉन में वाई, यानी कि ये बटे में ये कर देना, आपकी सारी वैल्यू आती चली जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी, तो इस तरीके से आपको टेबल वहाँ पे भरनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, टेबल की प्रैक्टिस पक्का कर जाना मेरे हिसाब से भाई, टेबल का क्वेश्चन कई बार आ सकता है, ठीक है जी।
टेबल की प्रैक्टिस पक्का कर जाना अपने हिसाब से, एक दो क्वेश्चन टेबल के और ले जाना। हाँ जी फिलहाल एक क्वेश्चन ये रहा भाई, कर ले थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ जी तो फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, चलो यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई इस बार मैं जो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन, तो इस बार मैं जो वीडियो का वो होगा वो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी तो ध्यान से ये बताने की जरूरत नहीं था, तुम वीडियो देख रहे हो तो दिख ही जाएगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा फिलहाल कह रहा है एक अर्थव्यवस्था के बारे में नीचे दिए गए आंकड़ों में से। हाँ जी तो पहले पार्ट में कह रहा है राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर निकालना, यानी आपको इनकम निकालनी है, ठीक है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम होना, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, ए डी इज इक्वल टू ए एस होना चाहिए, ठीक है, ये तो पता ही है हमें। दूसरी चीज आपको क्या निकालना है, आपको कह रहा है निकालना है राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पर कुल उपभोग व्यय, उपभोग मतलब कंजम्पशन व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी आपको क्या निकालना है ये कंजम्पशन। शुरू करते हैं फिलहाल, जिसके लिए आपको दे रखा है क्या, पहली चीज दे रखी है आपको, हाँ जी सी इज इक्वल टू 200 प्लस में 0.55, मेरे को मान लगता हूँ दिख नहीं जाएगा यहाँ पे। हाँ जी C इज इक्वल टू 200 प्लस में 0.55, और दूसरी चीज आपको दे रखी है, हाँ जी जहाँ कंजम्पशन उपभोग, कंजम्पशन मतलब उपभोग वह है और Y आया, ठीक है, निवेश इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है सर आपको कितना 1500, बस अब सॉल्व करना है आपको, ठीक। बस भाई ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद चलेंगे घर पे। हाँ जी तो इसका फॉर्मूला C प्लस में I बराबर में Y हो गया, ठीक है, और इसका फॉर्मूला C बार जमा में BY जमा में I बराबर में Y। अब देखिए ये इन्होंने पूरा कंजम्पशन का फॉर्मूला ही दे रखा है, समझ रहे हो, ये C की वैल्यू दे रखी है जो हम लिखते हैं ना यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये पूरी यही है, यानी मैं इसके लिखता हूँ 200, यानी C कितना है आपका 200, और MPC होता है B, B मतलब कितना दे रखा है इन्होंने 0.5, तो ये हो गया प्लस में 0.5 Y, जमा में I कितना दे रखा है 1500, तो 1500 बराबर में Y। आसान भाई, हाँ जी इंक भी खत्म हो रही है, देख रहा होगा, ठीक है। अब वाई वाले एक तरफ करने और बिना वाई वाले एक तरफ, तो बिना वाई वाले एक तरफ, तो 1500 और 200 कितना हो गया 1700, आसान बराबर में इधर है वाई माइनस में हो जाएगा उधर जाके 0.5 वाई, तो एक वाई में से 0.5 वाई गए तो 0.5 वाई बच गए, जिसकी वैल्यू कितनी है 1700 रुपये, ठीक है। अच्छा ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1700 बटे में 0.5, और 0.5 से काट देंगे तो 5 से काट दिया, 5 × 5 = 15 और ये हो गया 3500। हाँ जी तो 3500 वैल्यू हो गई किसकी, वाई की। इनकम कितनी हो गई भाई 3500। आसान भाई तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल आएंगे। ओ अभी तो कंजम्पशन भी आ गया ना, हाँ जी तो वाई आपने निकाल लिया, तो वाई का फॉर्मूला उसी में पुट कर देना, यानी कंजम्पशन का फॉर्मूला दे रखा था ना पहले, कितना 200 प्लस में 0.55, यही बोल रखा था, ठीक है, तो 200 प्लस में 0.5 इनटू में वाई कितना निकाला 3500, तो बस मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया ये, कितना हो गया, हाँ जी ये हो गया 1700, कितना हो गया 1700। थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा, एक सेकंड भाई चेक कर लूँ, 5 × 3 = 15, कभी तुम कमेंट से बोल लो फिर, कैलकुलेशन नहीं आ रही, ठीक है 5 × 3 = 15 बचे गए 2 इज लग गया, और 5 × 4 = 20 होता है, हाँ जी तो 5 × 3 = 15 बचे गया 2 और क्या होता है 0 लग गया, 5 × 4 = 20 हो गया, और फिर उसके बाद 00, ठीक है 3400 आएगा, ठीक है 3400। अब इसके हिसाब से कर देते हैं 5 × 4 = हाँ जी तो 5 × 0 = 0, 5 × 4 = 20 का 0, 2 हासिल, 5 × 3 = 15, 16 = 17, 17 तो ये हो गया भाई 1700, ठीक है सही है, परफेक्ट आंसर है, ठीक है प्लस में 200 और ये हो गया 17 और 200 1900, तो आपका आंसर आ गया 1900 किसका, कंजम्पशन का, तो सी आपका हो गया 1900 और वाई आपका हो गया 3400। आसान भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई और मैंने बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल करवा दिए, बुक के अंदर से न्यूमेरिकल करवा दिए, ठीक है इसके बाद चलेंगे वापस से थ्योरी के ऊपर, ठीक है भाई तो आज के बस नहीं मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।